हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गर्म थाली में आप सबका स्वागत है। अभी गर्मियों के मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में शेक किसको अच्छा नहीं लगता, तो आज बनाते हैं शेक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चीकू शेक। चीकू शेक बनाने के लिए मैंने लिए 3 मीडियम साइज के चीकू, जिसका छिलका ऑलरेडी मैंने उतार के रखा और छोटे छोटे पीस के अंदर इसको काट के मैंने ब्लेंडिंग जार के अंदर डाल दिया। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर 200 से 250 ml उबाल के ठंडा किया हुआ दूध। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 से 3 चम्मच चीनी। अगर चीकू ज़्यादा मीठा है तो आप चीनी को कम कर सकते हैं। इसके बाद कुछ हम आइस क्यूब्स डालेंगे ठंडा करने के लिए और ब्लेंडिंग जार के अंदर इसको ब्लेंड करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आइसक्रीम। मैंने लिया है यहाँ से बाजार के अंदर जो 10 रुपये के पाते हैं वो डाला है, आप कोई भी आइसक्रीम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आइसक्रीम डाल इसको ब्लेंड करें। इसको हम ग्लास के अंदर सर्व करते हैं। ऊपर से थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम हम डालेंगे और गार्निश करने के लिए मैंने डाला है टूटी फ्रूटी। ये देखिए बनके शानदार रेडी है चीकू शेक। के बाद हम बनाएंगे बनाना शेक। बनाना शेक बनाने के लिए मैंने लिए कुछ आइसक्रीम, थोड़ी सी शुगर और फ्रेश केले। तो सबसे पहले मैंने 200 ml दूध जो ऑलरेडी बॉईल करके ठंडा किया हुआ ब्लेंडिंग जार के अंदर ऐड करेंगे और इस तरीके से केले के छोटे छोटे पीसेस करके ब्लेंडिंग जार के अंदर ऐड करेंगे। 3 से 4 चम्मच शुगर, शुगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसको ब्लेंड। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम। आइसक्रीम डालने के बाद में थोड़ी देर के लिए ब्लेंड करेंगे। इसके बाद हम इसको सर्विंग ग्लास के अंदर ऐड करेंगे। इसको गार्निश करने के लिए ऊपर से मैंने डाली थोड़ी सी टूटी फूटी। ये बनके रेडी है हमारा बनाना शेक। बनाना शेक सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये जिसको वेट गेन करना है वो बनाना शेक ब्रेकफास्ट के अंदर ले सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।